दत्त जयंती है, आज का दिन बहुत बड़ा। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सोचती हूँ यह आज का दिन आया हुआ है जो आप लोगों में सहजयोग पल्लवित हुआ। सारे गुरुओं के गुरु आदि गुरु श्री दत्त महाराज, उनका आज महान दिवस, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। वे भी मेरे ही गुरु, उन्होंने मुझे अनेक जन्मों में सहजयोग पर बहुत कुछ सिखाया है और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में भी मैं कुछ कार्य कर सक रही हूँ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आद्याशक्ति ने जब सब सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि रचना करने के बाद जैसे एक राजा अपना सारा राज्य फैलाता है और उसके बाद भेष बदल करके इस संसार को देखने आता है, उस तरह आदिशक्ति भी बार बार संसार में अवतरित। लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ऊंची हो, उसे एक मनुष्य गुरु की जरूरत है। मनुष्य का स्थान उस शक्ति से भी ऊंचा। अगर शक्ति को मानव रूप धारणा करनी है तो कभी उसे पिता के स्वरूप, कभी उसे भाई के स्वरूप, कभी उसे बेटे के स्वरूप पाकर ही वो संसार में आए। सर्वप्रथम ऐसा ही समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों से जब सारी सृष्टि की रचना की, उस वक्त इस संसार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का विचार आदिशक्ति के मन में आया। ये तीन तत्व अगर किसी तरह से एक साथ जुड़ जाएं और उनमें गणेश जी की बालकता, उनकी अबोधिता, उनका इनोसेंस उतर जाए, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले गुरु इनसे निर्माण हो, सती अनुसया के रूप में उनका साक्षात। ये एक ही ऐसी सती संसार में है जिसने इंसान को तारण का विचार, एक बहुत बड़ी। ये तीनों बालक अनुसुईया के पास, अनुसुईया का अर्थ यह है जिसमें असुईया नहीं, जो किसी से मत्सर नहीं करता, जो सर्वतः प्रेम होता है उसमें मत्सर आदि, क्रोध आदि ऐसे नगण्य क्षुद्र विचारों का कहाँ से स्थान है। जिसमें कोई भी असुईया नहीं ऐसी अनुसुईया, उसकी परीक्षा लेने ये तीनों भी, ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे गए और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल, ये तेज बल क्या था, ये यही माँ का प्रेम, अत्यंत दिव्य शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरस पड़ा और वे छोटे बच्चे हो गए। उन्हीं का एकाकार स्वरूप श्री दत्त महाराज है, एक अजीब सी विभूति है इसका कि कितना भी वर्णन किया जाए तो कम है और समझाया जाए तो भी समझ सके। ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए। कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई कर रहे हैं, इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए, उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे, वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ, आपने नाम सुना होगा, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद जोरास्टर जो तीन बार संसार में आए, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद मोहम्मद था जो कि
साक्षात उन्हीं के अवतार थे। और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आए थे, एक मोहम्मद था। फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था, कहने एक मोहम्मद था। मोहम्मद माने जो प्रेज होता है, जिसको प्रेज बनती, जिसकी प्रेज की जाती, जो स्तुति पात्र है, वही स्तुति पात्र है जो संसार का तारण कर। वही सारे मोहम्मद जो आए थे, वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं। उसके बाद नानक, गुरु नानक, उनकी अगर आप वाणी पढ़ें, उनकी अगर आप बातें पढ़ें, तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज में ही बात करी। उन्होंने कहा कि सहज समाधि लाए, उन्होंने कहा है काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि वसई निरंतर घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो, अंदर ही है, अंदर ही उसे प्राप्त करो। हम तो कविता गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया था उसे रटे जा रहे हैं। हृदय के ही अंदर बसे हुए इस परम तत्व को खोजने की बात, अनादि काल से यह आदि गुरु बार बार जन्म संसार में ले करके औकर। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, कल भी मैंने बताया है, उसका इसके बाद शिया जाति शुरुआत, मुसलमानों में शिया नाम की जाति, शिया शब्द जो है वो शिया से आया, शिया से आया हुआ शब्द शिया हो गया। शिया माने सीता जी, आप अगर यूपी में जाए तो सीता जी कोई नहीं कहता है, शिया जी सब कहते, सियावर रामचंद्र की सब सिया का नाम लेते, वो स्वयं सीता जी थी, स्वयं आदिशक्ति। और उनके जो दो बेटे हुए थे हसन और हुसैन, जिन्होंने कितने ही दुष्टों का नाश किया, उसके बाद तंग आकर के जब वो भी मर गए, उसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि अहिंसा को प्रस्थापित किया जाए, हिंसा से कुछ काम नहीं बना, एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बुद्ध और महावीर के रूप में जन्म। एक्सपेरिमेंट्स ही होते। नानक साहब के बाद एक 50-60 साल पहले अपने इस महाराष्ट्र देश में ही शिरडी के साई बाबा, ये भी साक्षात दत्तात्रेय जी के ही अवतार। इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए, तो अगर आप पार हो जाएं और उसके बाद आप किसी पर भी हाथ रख के देखें, तो एक ही तरह के आपको वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से ही आप सबको जान सकते हैं। जैसे आपके पास आँख होना जरूरी है कि किसी की आप आकृति देखें, उसका रंग देखें, उसी तरह से आपके पास ये वाइब्रेशन आने की जरूरत है, जिससे आप संसार के सब गुरुओं को जान सके और जान सके कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा गुरु, कौन उस आदि गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार साक्षात है। कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं, और किसी को मान भी लेने से वो गुरु नहीं। गुरु शब्द ही का अर्थ बहुत ही बड़ा, इसको समझ लेना चाहिए। आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ ही यह है कि जो हमसे बड़ा, जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतर आता है, वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए, अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लालायित है। आप पानी को किसी ऊंचाई पे रख दीजिए, वो चाहेगा कि उसी ऊंचाई पे सबको, यही गुरु का अर्थ। ऐसा जो नहीं तो गुरु होने, हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना, एक ही मामले में नहीं। इसलिए आजकल जो गलो गली और रस्तो रस्ती हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों पहचान, जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु हैं, जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही के ओर आप उठाते हैं वही गुरु हैं, जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं वो गुरु हैं, जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई हुई बहुमूल्य चीज है, इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते हैं। जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकें, ये परमात्मा की चीज नहीं, आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। याद रखिए, आज हम लोग
इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हों जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा। इससे बढ़ के अधमता और नीचता संसार में कुछ भी नहीं। परमात्मा के पांव के ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज अगर हो तो उसे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को देखें। जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें? मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये छोड़। मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी, उसके कणों के भी बराबर है, तुम उठा के लो। लेकिन तौलना बराबर। इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा, इसके बाद सच पका गया। मैंने कहा क्यों, कोई चीज नहीं मिली? मैंने इसके बराबर तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे, तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काशाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो? क्या छोड़ा तुमने? यही पत्थर, ये मिट्टी। असल में सहयोग इसीलिए घर गृहस्थी में बैठे हुए साधारण लोगों में ही पला, जो अपने झंडे गाड़ते हैं उनमें कभी भी सहयोग नहीं आता। जो लोग सहज सरल भाव से रहते परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य में, उसके आनंद और सुख में सहज से प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसे ही लोग, ऐसे ही मध्य स्थिति के लोग परमात्मा को पाते। गुरु का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काशाय वस्त्र पहन करके पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरु नहीं। जिनके पास टूटी हुई साइकिलें थी और आज इम्फाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए, आराम से। इसके लिए जनक राजा का मैं आपको एक उदाहरण। जनक राजा के पास में नचिकेता करके एक बड़ा भारी आर्क गया था। पहले तो वो शंका से व्याकुल था। उसने अपने गुरु से कहा कि ये एक गृहस्थ में है, ये राजा है, इसके यहाँ तुम क्यों जाते हो? इसके आगे तुम क्यों झुकते हैं? इसके चरण क्यों छूते हो? ये तो गृहस्थी आदमी। तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उनके यहाँ, आप जानते हैं कि उनको विदेही कहा जाता है, देहाती। नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा, उसने देखा कि उनका इतना ऐश्वर्य है, इतना पैसा है, लोग बाग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाल बच्चे हैं, ये आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा को जाने? दूसरे दिन उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त मैं चला जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने का नहीं। उनका अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो, नदी पे नहाने जाए। उनको अपने साथ सरजू नदी पर नहाने ले गए। नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि हे राजा तेरे तो घर में आग लगी, रजवाड़े में सारी आग लगी हुई। राजा जनक ने कहा कि लगने दो, अभी तो मैं ध्यान में हूँ। हंस के कहा, ये जरा घबराए। उसके बाद लोगों ने कहा कि सब तुम्हारे घर वाले भाग गए, आग तुम्हारी तरफ आ रही। तो उन्होंने कहा जाने दो, अभी तो मैं ध्यान में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई आग यहाँ तक आ गई, तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़ेंगे ये भी चले जाएंगे, वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग गए। तो ये नचिकेत जो अंदर नहा रहे थे उनके एक दो जो कपड़े बाहर पड़े हुए वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा, तो भागे बाहर उन्होंने अपने कपड़े पकड़े। तो भी ये ध्यान में मत। जब ये लौट के आए उसको बड़ा आश्चर्य, तो उसने उनसे पूछा कि राजा आपको कोई चिंता नहीं कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही घूम? तब उन्होंने कहा जो मिथ्या है वो मिटने ही वाला, तो कोई बचाने की जरूरत नहीं, जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने। यही बात जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं? हमारे ससुराल में एक किस्सा है कि एक बार
ऐसा हुआ कि कोई बाराती आए और बारातियों ने कहा कि हमारे ये कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बारात खाएं। बारातियों के ज़रा नखरे होते हैं। और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाता। कब हम तो दही बड़ा खाएं, अब इसी वक्त लाइए आप दही बड़ा। तो एक बाबा जी वहाँ रहते थे, उनका पता चला, उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किसी तरह से इंतज़ाम करो। तो कभी मैं मंगा तो दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं। कहते ठीक है मंगा दीजिए। उन्होंने एक खिड़की बंद कर ली, दूसरी खिड़की बंद कर ली, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद कहा कि देखो आगे आपका दही बड़ा खाई। वहाँ सब दही बड़े आ गए, लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया, बड़े खुश हुए। बाबा जी भाग, रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे। दूसरे दिन सवेरे वहाँ मांग लोग होते हैं, एक शूद्र जाति की जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए। वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को, कहने अरे हमारे कुल्हड़ कौन उठा के लाया, फिर तो हमारे कुल्हड़ से ये कौन उठा के लाया। वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था, इससे लड़की विदा हो गई, नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं कर। वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज हो गए, कहने लगे कि ये कौन लेकर के आया, हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिता के ही थे, लोग इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते थे। इसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में पहले। ऐसी चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज़ चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए। अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का ही उनको एक धंधा बचा हुआ। जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकड़वा देते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग घर हैं तो इस देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दीजिए, सबको दीजिए। घड़ियाँ मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई, एक भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दें तो मान ले। इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं, उसी परम को पाना चाहते हैं, पर आपकी भी तो खोज इन्हीं जड़ वस्तुओं में, इन्हीं पत्थरों में है। इसीलिए आप इन लोगों को गुरु मानते हैं। रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते हैं। कल ही एक स्त्री आई कि आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी, कूद रही थी। मैंने कहा आप क्यों आई भाई? कहने लगे क्या करें आप तो हम ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा है, लोग पागल तुम्हें बना और पागल खाना मैंने खोल रखा। तुम वहां क्या खोजने गई? क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है? हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता है। जिन्होंने भी बनाए हैं बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे, उन्होंने उस घृणता को और उस दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा हुआ। अगर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए। ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर सूली पे चढ़ा दिया, वो आसान था, लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता जो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए। कभी आप लोग इधर भी आंख उठा कर और सोचिए कि ये क्या है, परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटना, कहाँ की भलमानसियत? आप भी क्या कभी सोचते नहीं? कलयुग में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के पास इतनी प्रगल्भ बुद्धि है, इतनी उसके अंदर सूझबूझ है, क्या वो सारी अपनी बुद्धि को बेच खाता है कि वो समझता नहीं कि ये एक तरह का मेस्मरिज्म है और एंटाइटमेंट है जिसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे हैं और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या ही विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं, अपने से भी भुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी भुलावा कर रहे हैं। जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज, इसमें आप में एक दर अंदर से शांति। मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और 30-30, 40-40 साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाए। असंभव की बात है अगर आप में रियलाइजेशन का जरा सा भी तत्व एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट भी होना मुश्किल। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है। एक छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई। जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट दी और वो पार गए।
आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए। अगर दिव्य नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या? अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं कैंसर तक की करके, कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं, सिर्फ यही है कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करने में, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते हैं कि सब पाए। सहज नहीं है? अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें, लोगों को खिला दिलाएं। ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई जरूरत नहीं। कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध। लेकिन कस्तूरी की खोज है किस, ये पहले अंदर सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई जरूरत। एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस से खेल, हमारे जड़ चेतन से, हमारे पास से खेल। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, इस खोज में मैंने बहुत गुरु घंटालों को देखा और सबसे मैं हथकंडे जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलिनियों का सब क्या नाश करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बता रहे, उसी से आप अभिभूत हो जाते। किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति था, एक थी मेरे पास आई कहने माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया। मैंने कहा क्यों क्यों दिया तुमने? कहने मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति। मैंने कहा तुम्हारा पति बड़ी पातिव्रत्य है तुम्हें, अगर ऐसा ही पातिव्रत्य है तो जो मर गया पति उसके लिए तो तुम इतनी मरी जा रहे हो, और जो तुम्हारा पति आज जीवित है उसका क्या हाल, उसके प्रति कोई पातिव्रत्य नहीं, और ये जो एक पैसा खाओ वहाँ बैठा हुआ है उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पति। फिर कोई कह रहे थे कि ये साहब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार, हम परमेश्वर। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता, झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं। कोई किसी झूठ बोल दीजिए, इसको साइकोलॉजी में स्टिग्मा पर्सनालिटी, आप पढ़े सर साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनका पता लगाया है, नहीं लगाया ऐसी बात नहीं, बड़े चोर लोग खड़े होकर के जो चाहे तो अंट शंट बकने लग जाते और लोग उसे विश्वास करने लग जाते। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए, संभल के रहिए। कहने लगे हम भगवान, अरे भाई भगवान है तो उसकी कोई शक्ति भी तो होती है। एक महाशय जी मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतनी औरतों का जमाघट क्यों भाई, आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम पे ये काम क्या कर, क्योंकि किसी स्त्री पर बहुत उन्होंने अत्याचार किया था। मुझे आकर प्राइवेटली बताती, मैंने कहा तुम कोर्ट में जाके बताओ कि आदमी पकड़ा जाएगा, हम कोर्ट में कैसे बताएं, हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार हो। तो वो महाशय से जाकर जब मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा पाप धो रहे हो, क्या तुमको इससे मिलेगा परमात्मा के नाम, तो उससे कहने लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री कृष्ण हूँ। मैंने कहा वाह भाई शकल तो आपकी भूत जैसे और आप श्री कृष्ण बने, आप श्री कृष्ण कैसे हुए? मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं, जिसने 5 साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था उसके सर पे चढ़ के वो कहा। मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी ऐसे नोट सुनूँ तो अभी उठ नहीं सकेंगे। मजाक ही में मैंने कह दिया, बाद में सुना था किसी ने उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ी रही थी वो हिलते रहे वैसे। मैंने तो यही कह दिया ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए। दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न किया। बताइए कहाँ की बेवकूफ़ी की बातें, श्री कृष्ण 5 साल की उम्र में बच्चों जैसे उनकी लीला थी, औरतों के साथ में उनको क्या नग्न, और 5 साल का बच्चा उनसे बहुत गहना था, वो तो सहज योग लीला कर रहे थे। 5 साल के बच्चे के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा उसको सब ये समझता था, 5 साल के भी नहीं थे उससे भी छोटे थे। तो मैंने उनसे कहा अगर यही बात थी तो काहे के लिए द्वारिका में बैठे हुए वो द्रौपदी के वस्त्रहरण के वक्त में दौड़े गए थे वहाँ, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे, क्यों सिधारे, क्यों सिधारे थे, अगर उनको स्त्री की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं था तो ये आप जवाब दीजिए। इस पर वो श्री कृष्ण जी चुप हो,
कहाँ तो एक उंगली पर गुरु को पकड़ने वाले वो श्री कृष्ण और आजकल हर एक गली में और बाजार में मिलते हैं। जहाँ जाइए वहाँ एक श्री कृष्ण है, एक शिव जी भगवान। कहाँ शिव जी भगवान, कहाँ श्री कृष्ण। कुछ आपकी बुद्धि बच गई है या नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य होता है कि मनुष्य जो कि बुद्धि की इतनी प्रगल्भता में पहुंच गया, जिसको परमात्मा ने सारी ही बुद्धि के आवरण खोल, ऐसे मनुष्य के बुद्धि में धर्म के मामले में इतना पर्दा था। अपने ही देश में नहीं है, उसकी तो बात यह है कि परदेश में भी इस कदर अंधकार। एक वहां योगी जी पहुंचे हुए थे, उनके शिष्याम से मिलने आए, वो हमारे सामने आए, देखते क्या उनका आज्ञा चक और नाभि चक दोनों को गोल घुमा दिया और वो भजन गा रहे हैं। उन्हें उल्टा घुमाने का मतलब है आदमी जो पागल होता है, अब आप अगर पार हो जाए तो आप भी देखिएगा, जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र उल्टा घूमता है। ये सब प्रेत सिद्धता, स्मशान सिद्धता हमारे देश में, भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली आ रही है। उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी और ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में उधर ध्यान नहीं, इसको मराठी में भी कहते हैं कि करणी। ये जो देवियां एवियां आती हैं किसी के बदन में और हम लोग उनको कुंकू लगाने जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आते। ये सब प्रेत विद्या और स्मशान विद्या, इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है, उस पर भी मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको। पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी हूँ, इसको भी जान लेना चाहिए। ये सब महामूर्खता के लक्षण हैं जो हम ऐसे दुष्टों के हाथों में अपने को बेच, कम से कम अपनी बुद्धि को सही रखें, थोड़ा सा झटक के सोचें। जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचें कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, इसका बोलना और करना इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता, इसको आप समझ। अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और कल हम लपकें संसारिक चीज़ों के पीछे में, तो हम कभी भी वैसे हो नहीं। यानी संसार कोई व्यर्थ की चीज़ नहीं है, लेकिन साक्षित्व तो कम से कम गुरुओं में आना चाहिए, कम से कम। कुंडलिनी के बारे में भी बहुत से गुरु निकले हैं जिनके बारे में आप मुझे बताना था। कल भी मैंने बताया था कि भगवान के पास में कोई घड़ी नहीं है कि जो वो कह दे कि 4 बजे मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागरूक कर दूँ। ये सब भूतों की व्यवस्था। इस पर एक आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर लैंग करके एक बड़ा भारी डॉक्टर लंदन में रहता था, उसने कुछ बहुत शोध किए थे, वो चाहते थे कि लोगों को उसे शोध किया, लेकिन अकस्मात उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो, इसके कारण वो अपना जो शोध था लोगों को बताने का, तो उन्होंने जब उनकी मृत्यु हो गई, हम जब मरते हैं तो पूरे नहीं मरते, थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर जीवित है। तो उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर में यह सोचा कि चलो किसी के अंदर घुस कर ही प्रवेश करके दे। तो एक वियतनाम में एक सोल्जर लड़ रहा था, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश और उसे कहा कि तुम मेरे लड़के के पास चलो और उससे ऐसी ऐसी बात बताओ। अब ये सोचे कि डॉक्टर लैंग को ऐसा ही करना था तो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, क्योंकि जानते थे कि इसके कुछ परिणाम भी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे लड़के से जाकर सारी बात बताओ और उसको हमारे बात पट जाए। जब ये सोल्जर उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बताया तो वो इस बात को मान गया, उसने कहा कि हाँ ये तो सब बातें सिर्फ मेरे पिताजी से और किसी को मालूम नहीं। उसने कहा चलो तुम क्लिनिक खोलो। उन्होंने एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके मातहत वो लोगों को ठीक करते। अब डॉक्टर लैंग के साथ बहुत से और डॉक्टर उनके साथ जुड़ गए, वो भी ये कार्य करते थे, अभी तक वो हो रहा है कार्य। वो आपसे बताते हैं कि आप अगर उनको चिट्ठी लिखे हमें तकलीफ है, शिकायत है, आपसे बताते हैं अच्छा 5 बजे शाम को बराबर इस वक्त आपके अंदर कुछ हो, कोई ना कोई अंदर व्यक्ति घुस करके आपके साइकोलॉजी में, साइकी में, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, उसके अंदर घुस के और इस कार्य को करके एक भूत निकाल के दूसरा भूत बिठा दे। अगर आप शराबी कबाबी होंगे तो शराब कबाब ठीक हो जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा। ये इन लोगों का कार्य है, पर बेचारे बहुत सीधे हैं, क्योंकि वो लोग कम से कम ये तो कहते हैं कि हम स्पिरिट का काम करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम भगवान का काम करते हैं। लेकिन अपने देश में तो लोग पक्के भूत नहीं राक्षसों का काम करते हैं और उसको भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे लोग अगर किसी को थोड़ा सा ठीक भी कर दें तो उसे क्या फायदा, कुंडलिनी जिससे खराब हो, अपनी माँ पे जहाँ चोट हो,
ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। आज नहीं कल आप लोग जरूर पार हो जाइए, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाइए। एक बार आपकी कुंडलिनी खराब हो जाएगी तो मैं उस पर कुछ भी नहीं करता, सारा ही कार्य खत्म हो जाएगा। जिन जिन की कुंडलिनियाँ खराब हो गई है, आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग पार हुए हैं, कितनी तकलीफें हमने उठाई। कुछ कुछ लोगों पर तो हाथ रखते वक्त इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े ब्लिस्टर था, बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर था। और उन लोगों से जब मेरे और हाथ करते, उनको भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लिस्टर जैसा आ जाता, पर जलता तो बहुतों का हाथ है। मेरे पास तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही, लेकिन उनके हाथ जल रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ उनकी सत्ता को स्थापना दूँ, और उनके अंदर तो कुछ और ही सत्ता बैठी है। ऐसे गुरुओं से बच के रहिए, क्योंकि कायदा इसे रोक नहीं, किसी तरह से जिसकी रोकथाम नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने बुद्धि से सोचिए कि सच्चा गुरु कौन है, वही जो आपको परम। उस पर अभी मेरे एक औरत ने मुझसे सवाल पूछा था, बहुत मौके का सवाल था, उसे मुझसे पूछा कि क्या आपने और भी कोई रियलाइज सोर्स दुनिया में देखे हैं जो कि आपके पास आए बगैर हुए, ऐसे तो बहुत हो चुके और अभी भी हैं। तो इसी कारण मैं अपने बहुत से शिष्यों को लेकर कोल्हापुर से दूर 25 मील दूरी पर एक जंगल में पहाड़ी के ऊपर 7 मील दूरी पर गगनगढ़ में आज उनका बहुत बड़ा उत्सव है, इसके लिए मेरी सारी शुभेच्छा है। वहाँ पर एक बड़ा भारी जीव है, मैं इनको ले गई, मैंने कहा तुम ऐसे हाथ रखो, बस हाथ के सहारे से, इतने वाइब्रेशन आ रहे माँ कि कौन सा जीव यहाँ है, क्यों वो जंगल में चले गए, ये भी सोचने की बात है। जितने भी बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं जंगल में, आपने नित्यानंद जी के लिए कहा, जो कि असली में बहुत बड़े पुरुष, कि वो अगर कोई भी आता था उनको पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ। हमारे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा थे, उनके लिए भी लोग ऐसा बने, वो तो जंगल में ही रहते थे बेचारे, अब वहाँ आबादी हो गई, क्यों ये लोग जंगल में भाग जाते हैं, उससे दो चार का। अभी आपने देखा होगा यहाँ छोटे बच्चे बैठे थे, उनके हाथ जल रहे थे, खूब यूं कर रहे थे, इसी तरह से उनके बदन जलने लगते हैं। बहुत से साधु तो बेचारे पानी में ही रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो साइकी है, सुपर ईगो है, उसमें बैठे हुए भूत उनको जलाने के लिए लगे, इन भक्तों को सताने के लिए लगे हैं, इसलिए वो जंगल में भाग के खड़े थे, क्योंकि आपको तो पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, आपके वाइब्रेशन आपको समझ कहाँ आते हैं, इसलिए बेचारे जंगलों में जाकर के बैठे हैं कि बाबा बचाओ ही लोग, उनको तारण आरण वो कहाँ से करें। गगनगढ़ के महाराज का ही देखिए, उन्होंने बहुतों को तो ठीक किए, लेकिन क्या है उनकी उंगलियाँ टेलीस्कोप के जैसे अंदर चली, पाँव की उंगलियाँ भी ऐसे अंदर चली गई, बेचारे शेर पर या सिंह पर सवारी करते हैं, उसके बल अलावा उधर से उधर जान। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची, ये लोग मेरे साथ थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने फौरन मुझे पहचाना, कोई शंका ही, उन्होंने आज तक मुझे इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन बहुत सालों से मेरे बारे में वो जानते ही थे, उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, चले मैं बहुत सालों से आपका इंतजार कर रहा था माँ, आज हमारा कितना भाग्य कि आप पधारे। वो नाथ पंथी हैं, इसलिए मच्छिंदर नाथ से ही मुझे और बड़े पहुँची हुए थे। ऐसे ही मैं हिमालय पर भी गई थी, वहाँ पर भी मुझे मिले। ऐसे ही हरिद्वार में एक दो हैं, बहुत ही कोह में रहते हैं, मैंने उनसे कहा बाहर आने का मौका हो, मैं तुमको बताऊंगी कि अपनी शक्ति को कैसे बचाना और किस तरह से इन लोगों का प्रहार वापस लौटाना, मैं बैठती हूँ, तुम आओ तो सही, सबको मैं ठीक कर, इनकी भी मैं नानी हूँ, आ जाओ। बहुतों ने कहा है कि माँ आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन हिम्मत जुटती नहीं बेचारों की, क्योंकि उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके बदन में छाले डाल दिए, उनको जला दिया, राक्षसों के काम, समझ लीजिए कि 10 राक्षस और 6 राक्षसिनी अभी तक मैं जोड़ पाई, ये जन्म लेकर इस कलयुग में आए हैं। आजकल के ज़माने में अगर समझ लीजिए रावण आ जाए तो वो अपने को कहने नहीं वाला कि मैं रावण, वो तो अपने को भगवान ही कहेगा, पर रावण कहे तो अभी कैद में बंद न हो जाए। रावण की पहचान, राक्षसों की भी पहचान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप देखिए आपको फायदा हो। जिस आदमी की आँख बिल्ली के जैसे, आप बिल्ली की पहले आँख देखिए तब आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें देखते ही नहीं। बिल्ली की आँख जैसे उसके अंदर की पुतली होती है, प्यूपिल होती है, आप देखते देखते एकदम छोटी होते तो गुल हो जाती है, ऐसे ही राक्षसों की आँख होती है। मैं सबको जानती हूँ अच्छे से, हर एक जन्म में मैंने इन लोगों को देखा, उनकी आँख से आप पहचान सकते हैं कि ये लोग राक्षस हैं, उनकी आँख की पुतली एकदम छोटी होकर के गुल है, ये पहचान, कहने को भगवान का है नहीं तो और कुछ है, राक्षस लोग। और इन लोगों ने बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, ये हमारे भोला शंकर जी का काम है, क्या करें।
उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी, जैसे रावण को एक सिद्धि थी कि जब वो बोलते थे और भाषण देते थे तो नाभि चक्र में वो ऐसे कुछ काम कर जाते थे कि वहां पर एक एक भूत बच जाता, हजारों लोग अभिभूत होकर के उनके कहने को सुनते थे। यहाँ तक कि राम को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, उन्होंने सबको तैयार किया। इसी तरह से महिषासुर की भी थी, सारे ही असुरों की अपनी अपनी उन्होंने सिद्धियां की थी आप जानते हैं, और इसी सिद्धियों के कारण वो लोग हमेशा अच्छाई का दमन करते रहे, प्रकाश को दबाते रहे और अंधेरा बढ़ता है। आज कलयुग में बराबरी, सारी बराबरी है, और आप सोच रहे हैं कि मेरे दो ही हाथ हैं, आप ही लोगों का कार्य है। आपको आश्चर्य होगा कि देवता भी एक तरफ बैठे हुए हैं और राक्षस भी एक तरफ बैठे, घमासान युद्ध चल रहा है। आज जो दुर्भिक्ष जो परेशानियां, क्या आप सोचते हैं आपके करने की वजह से? बिल्कुल भी, ये दुष्ट और राक्षस बैठ करके प्रेत योनियों से सारे कार्य करा के आपको संतुष्ट करें, जिससे आप किसी तरह से दौड़ कर इनके ही चरणों में जाए, ये सब इन्हीं का कार्य। और अगर इन लोगों को हटाना है तो अपने अपने अंदर में जोत जलानी है, अगर इसको प्रकाशित करना है तो सबको अपने अंदर एक एक दीप जलाना, आप स्वयं एक दीप छोड़े। और आश्चर्य तो यह है कि इस वक्त परमात्मा भी यही चाहता है कि मनुष्य ही शेष जाए, मनुष्य ही कार्य करे, मनुष्य ही वो परमात्मा स्वरूप को जाए, और जिसको हम अति मानुष कहते हैं, जिसे हम सुपरमैन कहते हैं, उसकी स्थापना, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आने वाला है। सिर्फ यह है कि उसको लेना सीखो, उसको पाना सीखो। बुद्धि के कसौटी पर इसे अभी उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बुद्धि से आप समझना चाहें तो आपको सिर्फ मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से बहने वाले अव्यक्त धाराएं नहीं दिखाई दे। जो लोग बहुत बड़े पंडित हैं वो लोग चाहें तो कबीरदास को पढ़ें, नानक जी को पढ़ें, हो सके तो आदि शंकराचार्य को पढ़ें, वो तो सबसे बढ़िया। आदि शंकराचार्य को अगर पढ़ें तो आप समझ सकते हैं मैं किस चैतन्य लहरियों की बातें कर रहे हैं। कुंडलिनी पर अभी तक मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने व्यवस्थित रूप से कुछ कहा या समझा है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाने से ही कभी कभी बड़ा भारी भयंकर अनर्थ होता, ऐसा ही अनर्थ कुंडलिनी के बारे में भी आज तक होता रहा ही हो, नहीं तो इस तरह की विचित्र बातें न जाने किस समझ से इन लोगों ने लिखी है। लेकिन तो भी मनुष्य की दृष्टा स्थिति इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है जैसे देवी भागवत आप पढ़े, मार्कंडेय स्वामी की सप्तसदी आप पढ़े, आपको आश्चर्य होगा कि कितनी गहराई से, कितनी छोटे छोटे डिटेल्स में उन्होंने इस चीज को जाना। असल में जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं होता तब तक सभी कुछ करना व्यर्थ। कृष्ण ने भी यही कहा था कि पहले उसको अंदर ही पालो, लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं, वो कहले अंदर पालो फिर कहते बाहर तुम लड़ने जाओ। उनका मतलब था तुम साक्षी हो जाओ, साक्षी होने के बाद तुमसे हो रहा है अकर्म चला जा रहा है, आप कुछ करते ही नहीं, वो ईगो ही खत्म हो गया, वो सुपर ईगो ही खत्म हो गया, जो करता है करने ही वाला टूट जाएगा, ये वो कह रहे थे। लेकिन जब माना नहीं तो वो तो डिप्लोमैट थे, राजकारणी थे। कृष्ण की भी अपनी एक तरह के गुरुत्व है, उनका गुरुत्व बड़ा मजेदार है, बड़े भारी राजकारणी थे, इसको मैं कहती थी एब्सोल्यूट प्योर पॉलिटिशियन, ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन था वो, और वो सबको जानता था कि इन महामूर्खों को ठीक करने का यही तरीका। जिस वक्त में कि एक बच्चा है वो अपने घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध करके हाँक रहा है, तो बाप आकर के कहता है चलने दो घोड़ा, ऐसे चलने दो, हाँकते रहो पहुँच जाओ। फिर बच्चा जब हार कर सोचता है अरे घोड़ा तो चल ही नहीं रहा, तब उसको फिर समझ में आता है कि घोड़े को आगे करना चाहिए और तब हार। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्मयोग करो। अब देखिए उसमें डिप्लोमेसी कृष्ण की दी, कृष्ण के जैसा भी गुरु मिलना बड़ा कठिन, ऐसा गुरु है कि उसके लिए बहुत ही बुद्धि की तीक्ष्णता प्रखरता चाहिए। आज तक आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी तो मैं आज बताऊंगी, आप सुन ली। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्म करो, लेकिन जो कर्म का जो फल है परमात्मा पे ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एब्सर्ड कंडीशन। जब आप किसी चीज को कर रहे हैं और जान रहे हैं कर रहे हैं, आप उसको किसी और पे कैसे छोड़ सकते? घोड़ा पीछे करके हाँकने को कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम भक्ति करो, देखिए इसमें भी देखिए बड़ा सुंदर है, तुम अनन्य भक्ति करो, जब दूसरा कोई नहीं रहे तब भक्ति कैसे होने वाली है? मतलब ये कि जब मिलन हो गया तब भक्ति किसकी करने की? उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी तुम मुझे दो मैं ले लूं,
लेकिन देने के वक्त उन्होंने यही कहा कि तुम अनन्य भक्ति करो। एब्सर्ड बात है, क्योंकि एब्सर्डिटी पे ही आदमी का सर चकराएगा और तभी वो ठिकाने से आएगा। वो सोचते नहीं थे कि ऐसे आदमी की अकल आने वाली। पर मैं तो माँ हूँ, और माँ चाहे तो बात कहनी भी पड़े तो भी कह डालेगी कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानो। जब तक हो सकेगा तब तक कहेगी, गला फाड़ फाड़ कर अपने बच्चे से कहेगी। माँ का हृदय और होता है, इसे डिप्लोमेसी नहीं खेली जाती। बहुत देर बहुत हो गया, बहुत खुश, बहुत परेशान, लोग कष्ट इस चीज़ में भरमा गए। अब ज़रूरत है इस चीज़ को करने की, और हो रही। आप लोग भी इस चीज़ को पा रहे हैं, जिन्होंने पाया है, जिन्होंने जाना है वो कल भी यहाँ पर प्रोग्राम है उसमें ज़रूर आए, जिन्होंने नहीं पाया है वो क्या है। हमारे यहाँ और भी जगह भारतीय विद्या भवन में हम लोग हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह बने जहाँ लोग आते रहें। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पार हो गए हैं, क्योर भी करते हैं। जागृति तो आप पार होते ही दे सकते हैं। लोग चक्रों के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत कुछ ज्ञानी हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पार भी करा। हिंदुस्तान की ये गरिमा है, ये देश हमारी योग भूमि, सारे संसार के देशों से भी ऊंचा अपना देश। इस देश के वाइब्रेशन जो हैं हाइएस्ट, इसमें कोई शंका, और सारे ही संसार की भीड़ की हड्डी ही अपना देश है, और इसी में कुंडलिनी का स्थान है, जो सारे ही संसार को एक दिन ठीक कर सकती है। पर अभी तो सारे ही चक्र हमारे पकड़े, कुंडलिनी की गति ही मुश्किल हो रही है। आप अगर अपने अपने चक्र छुड़ा लें तो हो सकता है इसी देश में से ही वो संदेश बाहर जा सके, जिससे कि सारा संसार बदल करके एक दूसरे रास्ते पर आकर खड़ा होगा। यहाँ सत्ययुग का ही आवाहन, और सत्ययुग भी आने वाला। ये सत्ययुग के आने की बात है, लेकिन अब यह आपकी स्वतंत्रता और आपकी सत्ता पे छोड़ा गया है कि आप चाहे इसे ले या संहार की ओर। ऐसे ही कैंसर जैसे रोग और युद्ध जैसी बातें, ये सब हमारे संसार को खत्म करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं और संसार को उजियारा में डाल सकते हैं, और नहीं तो अंधकार आकर के परमात्मा चाहे हजारों सृष्टियां बना सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ऐसा ही उसे सेवा। अब यह आखिरी ही कूदना है, इसे देखना है कितने लोग अपने को लगाते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। 3 दिन का सेमिनार बहुत प्रेम पूर्वक हुआ, और बहुत लोगों ने इस प्रेम को स्वीकार किया, इसलिए एक माँ के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। वैसे ही हमारे बहुत से बच्चों ने बड़ी रात दिन मेहनत करके और औरों को तारण करने के लिए इतनी मेहनत की है, और इसी तरह से करते रहें। ऐसे ही उनको आशीर्वाद देकर, आप सबको मेरे प्रेम का आशीर्वाद देकर यहाँ पे बिदा।